पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ एमपी एमएलए कोर्ट में तारीख पर पहुंचे। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने पत्रकारों से काफी लंबी बातचीत की। पत्रकारों ने आजम खान से सवाल किया कि चर्चा है कि यूपी राज भर भाजपा के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं। इस पर आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है कि उसे कोई खत्म कर देगा। समाजवादी पार्टी एक बड़ी विचारधारा है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। सावन में कांवड़ियों की सेवा करते हुए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को पर एआईएमआईएम नेता ओवैसी के बयान पर आजम खान ने कहा कि जो भी जवाब लेना है वो ओवैसी से ले, बयान ओवैसी ने दिया है। तो वहीं समाजवादी की सरकार ना बनने पर आजम खान ने कहा कि वो सिकंदर तो नहीं बन पाए लेकिन हाँ बंदर जरूर बन गए हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए उन्हें बंदर बनाने वाले को मदारी के नाम से संबोधित किया और कहा कि आज वो बंदर बनकर कभी मुरादाबाद तो कभी फिरोजाबाद तो कभी कहीं और बंदर बनकर दौड़ लगा रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ अगर आप राय दें तो भैया पर्दा नीचे कर। इसके अलावा आजम खान जी लगातार जो है आपके ऊपर सख्ती करी जा रही है। अरे यार नीचे कर, पिछली बार आपका जो बयान था वो काफी चर्चाओं में रहा है, इसमें भी क्या कर सकता हूँ? कब तक रिलीफ मिलने की उम्मीद लगती है आपको सर? अभी भविष्यवाणी मुझे होती नहीं है, आती नहीं। आसमान से कोई आदेश नहीं आया, अभी तो जमीन वालों का आदेश मांग रहे हैं। आजम जी, आजम जी को लेकर लगातार आज ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच में दूरियां बढ़ गई, शिवपाल यादव के बीच में दूरियां बढ़ गई, आप कहीं ना कहीं अकेले बच रह गए, किस तरह से देखते हैं? देखते ही नहीं, चश्मा लगा हुआ है, अंधे हैं, कान नहीं है, बहरे हैं, जुबान नहीं है, गूंगे हैं। आप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं सर, आपसे कोई उम्मीद कर सकते हैं? करता है, सीनियर कार्यकर्ता लीडर नहीं है। लीडर तो बहुत बड़ी चीज होता सर, ओवैसी साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा होता ही नहीं है। आजम साहब कहाँ लीडरशिप रह गई? आजम साहब ओवैसी साहब एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों के ऊपर जो फूल बरसाए जा रहे हैं और मुस्लिमों के साथ मतभेद किया जा रहा है, उनके बयान के लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, ये सवाल आप उनसे करें। आपको क्या लगता है सर, क्या कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करनी गलत है? मैंने गलत तो सही कहा ही नहीं। आपको क्या लगता है वही हम जानना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना, मुझे कुछ लगता ही नहीं, खोपड़ी में बुद्धि है ही नहीं, आंखों में रोशनी नहीं, कानों में आवाज नहीं। आजम साहब, पश्चिम बंगाल में जो कैश बरामद हो रहा नेताओं के पास से, किस तरह देखते हैं इस तरह के, कहां जा रही है सर? मैंने कहा ना, मैं अंधा हूँ, दिखता ही नहीं मुझे, देखो चश्मा लगा रखा है, अंधे को क्या दिखेगा। हाँ, सूरदास नहीं हूँ, जन्म का अंधा नहीं हूँ, हालात से अंधा हूँ। आजम भाई, आपका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है, देश में इस वक्त महंगाई चरम सीमा पर है, विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मानते हैं? कहाँ है महंगाई? कहाँ है महंगाई? खुशहाली खुशहाली है, किसी को कहते हैं रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के साथ साथ खाद्य पदार्थ, आमदनी बहुत ज्यादा है तो महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जहाँ क्लर्क की तनख्वाह 2 लाख रुपया हो, महंगाई से क्या फर्क पड़ेगा? अब ये सब जितने बच्चे खड़े हैं इनकी कम से कम 5-5 लाख रुपए महीने की आमदनी होगी, तो कहाँ महंगाई है? आमदनी ज़्यादा हो तो महंगाई नहीं पता चलती। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है कि महंगाई तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। सर, यूनिवर्सिटी के जो तार लगाए थे वो आज प्रशासन के द्वारा खोले जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, भाई अभी तक तो कोई ऐसी सूचना है नहीं। तो सर, क्यों समाजवादी पार्टी क्यों विरोध नहीं कर रही महंगाई को लेकर, तमाम दूसरी पार्टी? महंगाई है कब? समाजवादी पार्टी ने सब ठेके ले रखे हैं, श्रीलंका में है समाजवादी पार्टी, वोट तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिला विपक्ष के तौर पर, क्या सरकार तो नहीं बनी दोस्त है? जो जीता वो सिकंदर, तो सिकंदर तो हम हुए नहीं, बंदर हो गए। देखो, कभी रामपुर कोर्ट में, कभी मुरादाबाद में, कभी बम्बई में, कभी लखनऊ में, कभी फिरोजाबाद में, मदारी के बंदर हो गए हैं। लुलु वाले बयान पर आपके पिछली बार तमाम उसमें ऐड चल रहा है इस बार, पैसे सर अब तो आपकी मिमिक्री होनी शुरू हो गई है। देखिए, वो लोग जो उसमें अरबी का लफ्ज है, कुरान का लफ्ज है लुलु,
अच्छा कुरान के बारे में कितना जानते हैं आप, मुझे पढ़ाइए किसी दिन। कुरान के खुद मतलब क्या है, लफ्ज़ कुरान के हिकमत के, ये तो किताब हिकमत है, कुरान का मतलब बताइए। किताब दीन भी है, किताब हिकमत भी है। और देखिए शब्द ये नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मैंने इस्तेमाल किया, शब्द अरबी में पढ़ेंगे आप तो ये शब्द नहीं है। रखने वाला क्योंकि आरएसएस का फंडरेजर है, उसने माल बनाया है, नमाजी भी वही लाया था, विवाद भी उसने ही खड़ा किया, उसे इसका नाम बदलना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो नाम नहीं बदलेगा, वो कमा रहा है इस नाम से, वो अपने गरेबान में मुंह डाले और फिर वो जवाब दे, हमसे जवाब नहीं देते। कैन यू साइड करो थोड़ी सर, लगातार ये कह रहे हैं कि ईडी के ऊपर जो है वो विपक्ष मजबूत ना हो इसलिए छापेमारी चल रही है, आप भी विपक्ष में ही हैं, कैसे आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैंने कहा ना अंधे हैं हम, देखते ही कहाँ। अब आप हमारी बात क्यों नहीं समझते अंधों की? हाँ सूरदास नहीं है, हालात के अंधे हैं, हम भी तो ईडी भुगत रहे हैं। तो क्या आपको भी ये लगता है कि भाजपा करवा रही है ये सब? मुझे क्यों लगता, मुझे क्यों लगता? विपक्ष इस बात को कह रहा था और आप कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को देखते ही नहीं, तो आप सीनियर लीडर है ना सर, इसलिए आपसे हम ये बात कहने की कोशिश करता हूं। लीडर का हूं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।